अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम इस वीडियो में किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 1 के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मेयरमेंट्स। व्यूअर्स, हम इसके अंदर देखेंगे कि हम किस तरह से लेंथ को, हाइट को और मास को मेयर एंड कंपेयर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बुक के पेज नंबर 86 पर हम देख सकते हैं कि लेंथ का कंसेप्ट दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम किस तरह से लेंथ को और हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, और लेंथ को कंपेयर करने के लिए हम कौन कौन से टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टू कंपेयर द हाइट एंड द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट, फॉर दिस यूज वी यूज लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि हम तीन व्हीकल्स को कंपेयर करते हुए लॉन्ग, लॉन्गेस्ट और लॉन्गर का वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे कि द कार इज लॉन्ग एंड द बस इज लॉन्गर एंड द ट्रेन इज लॉन्गेस्ट, यानी कि कार जो है सबसे कम लेंथ रखती है और बस कार से ज्यादा लंबी है, इसलिए लॉन्ग की जगह लॉन्गर का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, इसी तरह हम लेंथ को मेयर करने के लिए टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट की टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं बुक के पेज नंबर 86 पे हमारे सामने तीन डिफरेंट ट्रीज ड्रॉ किए हुए हैं, जबकि फर्स्ट ट्री इज टॉल, द सेकंड वन इज टॉलर देन द फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन इज टॉलेस्ट फ्रॉम द ऑल, यानी कि बताया जा रहा है तीनों ट्रीज को कंपेयर करके कि कौन सा ट्री लंबा है और कौन सा बाकी से ज्यादा लंबा है, जबकि नंबर थर्ड वाला दोनों से ज्यादा लंबा है, यानी सबसे लंबा है। इसी तरह बुक के पेज नंबर 87 पर हमें मजीद टर्म से वाकिफ करवाया जा रहा है। हमारे सामने शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो व्यूअर्स, शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट भी एक ऐसी टर्म है जो लेंथ को मेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आपके सामने पेंट ब्रशेस की एग्जाम्पल दी जा रही है, दिस पेंट ब्रश इज शॉर्ट एंड द अदर वन इज शॉर्टर देन द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज शॉर्टेस्ट फ्रॉम द ऑल। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ उससे छोटी है और कौन सी चीज़ सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी चीज़ के लिए शॉर्टेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। सो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाई, हायर और हाइएस्ट की टर्म को। ये एक ऐसी टर्म है जो हाइट को मेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप देख सकते हैं हमारे पास तीन बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जबकि फर्स्ट बिल्डिंग के लिए हम हाई का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और सेकंड बिल्डिंग के लिए हायर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और लास्ट वन के लिए हाईएस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें बता रहा है कि फर्स्ट बिल्डिंग हाई है जबकि सेकंड वन फर्स्ट वाली से ज़्यादा हाई है, जिसके लिए हम हायर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, और लास्ट वन दोनों से हाई है, इस वजह से हम उसके लिए हाईएस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, दिस इज ऑल फॉर मेयरमेंट्स। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।